अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम दिलदा जानी 421 है, ठीक है। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे अच्छे अच्छे मैं व्लॉग बनाता हूँ। बहुत मेरी कोशिश होती है हर एक दिन नया से नया व्लॉग तैयार करूँ। तो आज का मेरा व्लॉग इस गाय पर, जो गाय मेरे साथ जुटती है, मेरे साथ हर बात मेरी बात मानती है, इसकी मोहब्बत पर बात आ गई है। मोहब्बत पर, इंसान की मोहब्बत इंसान से हो तो इंसान इंसान को धोखा दे जाता है, अगर जानवर की मोहब्बत इंसान से हो तो जानवर मोहब्बत कभी मोहब्बत में बेवफाई कभी नहीं करता। तो आजकल के इंसान है जो इंसान को धोखा दे रहा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, बाप बेटे को दे रहा है, बेटा बाप को दे रहा है। तो ऐसी दुनियादारी पे ऐसे रिवाज बने हुए हैं, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। तो मेरा पूरे सोशल ऐप को चैलेंज है, पूरे सोशल ऐप को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे सोशल ऐप को चैलेंज कर रहा हूँ, टिकटॉक, स्नैप, यूट्यूब, हर एक को। पूरे यूट्यूब पर मेरी जैसी किसी ने वीडियो आज तक नहीं बनाई होगी। पूरे यूट्यूब पर मैं दिल खोल कर ये आपको एक सबक अता कर रहा हूँ, एक सबक है इंसान का, इंसान जानवर को कुछ करके दिखा रहा। मैं ये आपको आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखो आपकी आंखों के सामने, ये देखो, ये जो गायें मेरे साथ पीछे जाएगी, ये देखो चलेगी मेरे साथ, ठीक है। तो अब ये मेरे साथ ही खड़ी हो जाएगी, मैं जैसे आपके साथ बातें कर रहा हूँ, ये चंद मिनटों के बाद मेरे साथ खड़ी हो जाएगी, मुझे देखेगी तो खड़ी हो जाएगी, देखो आपकी आंखों के सामने अब खड़ी हो गया। तो मेरे वीडियो व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मेरे जैसी वीडियो अगर कोई भाई बनाता है, इतनी मेहनत करता है, तो मेरे सामने आए, मेरे साथ ड्यूट करे। अगर ड्यूट नहीं कर सकता तो मेरी आवाज़ पर वीडियो बना के मुझे दिखाए, मुझे भी खुशी होगी कि मुसलमान दुनिया में अभी भी ज़िंदा है। और दूसरे इलाकों में बहुत से आप फिल्में देखते हैं और ड्रामे देखते हो, दूसरे इलाकों में इनके साथ इन्हें क्या माना जाता है आप भी बेहतर जानते हैं। तो हाँ, मुझे ना वीडियो पर कमेंट बहुत बुरे बुरे आते हैं, भाई मैं इनको नमाज नहीं अता करवाता इनसे, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, इंसानों पर फ़र्ज़ है, जानवरों पर फ़र्ज़ नहीं है। तो आप कहते हो गंदी जगह पर आपने जान नमाज रखी है, ये पहले देखो मैंने नीचे पल्ली रखी है, पल्ली के ऊपर जान नमाज बिछाई है, उसके ऊपर मैंने पहले वजू किया, फिर मैं खड़ा हूँ। हाँ, इंसान के कपड़ों की बात है तो इंसान का दिल पाक होना चाहिए। जब हम मस्जिद में जाते हैं ना, तो आजकल का रिवाज बना है मेरे कपड़े ख़राब है, मैंने मस्जिद में नहीं जाना। यार तेरा दिल साफ़ है ना, तो अल्लाह पाक कबूल अल्लाह पाक ने करनी है, ठीक है। तो मेरे ब्लॉग का सारा तुम दर्शन दसान का सब कुछ करने का मकसद है कि एक जानवर है। तो देखो मेरे पीछे हम दोबारा फिर मैं तुम्हें लाइक करा के आन लगा है, देखो मेरी अखा सामने, थोड़ी अखा सामने मेरे मगर जाएगा, देखो ये बार बार मैं जावा तो जाती हूँ, थोड़े दिन मिनटा तो बाद, चंद सकिंटा तो बाद खड़ी भी हो जाएगी, थोड़ी अखा सामने वेख्या जी, खड़ी हो जाएगी वेख्या जी, खड़ी हो जाएगी। तो थोड़े मिनटा के बाद वेखो माशाल्लाह कितनी मोहब्बत ना लेटी हुई है, मैं हम खड़ा हो गया, कहती भी तू फिर दोबारा जा, वेखो हाँ खड़ी होगी तो अखा सामने। तो हूँ मेरा कहने का मकसद से, मेरे कहने का मतलब ये भीर है गावान अल्लाह पाक के शरीक ना ठहराओ, ड्रामे फिल्मा वेखन आओ, तुसी जरा ध्यान करो। तो हाँ, सिद्धू मूसेवाला का जड़ा उन्हें गाना बनाया ना, उस गाने नू मैं ये कहना, उस जिस चैनल तू अपलोड होया, उस चैनल वाले मेरी वार्निंग है, मेरा चैलेंज भी वो गाना अपने चैनल तू कर दे, बेहतर होएगा। जे मुसलमान अभी आई तो आ गई ना, तो काका फिर तेन पता है एक छोटा जहा कड़ा लोहे का सा पाया वे अजकल मुंडिया ने, तो हुक्का पीते पो ना, तो कि कड़े का कि इशू कर दें, तो फिर साढ़े मुहम्मद का ना है पग का भी बहुत इशू करते हैं, किसी फोटो तो ला दिए ना रेस्टोरेंट से पग लगी हो तो उनका बड़ा इशू बना लेंगे, इशू बना लेंगे। हूँ साढ़े मुसलमाना की इज्जत का सवाल है, असी आप सलम के ना तो जिंदगी मारन लगे एक बार भी नहीं सोचते, असी उनके ना तो मरण मर मिट के कबूल करने। अज मैं वो मुसलमान वेखना चाहते हैं जेडे कहें मुहम्मद के ना तो मरण में तैयार, अज मैं उन्होंने वेखना चाहना। हर कोई नवा ट्रेंड आता, हर कोई वीडियो बना भज भज के बना, अज इस गल से वीडियो बनाओ, पता लगे किन्ने को मुसलमान ने, किन्ने को जज्बे वाले ने। अगर कोई बना नहीं सकता ना ड्यूहिट करे, ड्यूहिट नहीं कर सकता तो मेरी आवाज से वीडियो बनाए। यह गाँव वेखो जिन्होंने रब ने शरीक ठहराया जाता, वेखो माशाल्लाह यार, शेयर करो ते लाइक करो, मंग मंग के कहती पी अल्लाह पाक हां जी उस बंदे नु हदायत दे, उस चैनल वाले नहीं तो उस चैनल वाले हदायत दे दे। हुन सिद्धू मरया सी, असि हुन गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, असि सिर हुंदा तन तो जुदा कर देंगे। अगर उस चैनल वाले नु मैं हुन बार बार ये कह रहा कि वो गाना जिन्नी जल्दी हो सके उनु डिलीट करे, किन्ने भी चैनलों ते वो गाना चलदा हर भाई वो गाना डिलीट करे, उनदे ते ना कोई वीडियो बनाए ना उदे तो कोई एक्टिंग करे। अगर कोई एक्टिंग करता नजर आ गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। माशाल्लाह फिर चलेगी, माशाल्लाह इतनी मोहब्बत यार, वेखो मोहब्बत देखो बार बार जा रही है, और रब से दुआ कर रही है, कहती है। और इसका कहने का मकसद ये है, बोल के नहीं कह सकती, इसके कहने का मकसद ये है, अल्लाह पाक तो बेजुबानों की बहुत ज्यादा सुनता है,
तुम क्यों ना कल आखिरत के दिन मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों में खड़ी हूँ, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों में नैन बनी हूँ और साथ मैं भी खड़ी हूँ। मैं कहूँ अल्लाह के अल्लाह तेरे महबूब की खातर मैंने भी कुछ किया था, तेरे महबूब की खातर मैंने कुछ किया था, चाहे इसने सजदे में जाकर दुआ की हो, लेकिन हाँ ये इस पे नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, नमाज़ अदा नहीं करती, इसकी मोहब्बत है, ये भी अपना फ़र्ज़ निभाती है, ये देखना फिर करेगी, फिर कहेगी अपना फ़र्ज़ निभा, सजदा किसको है, अल्लाह पाक की ज़ात को, अल्लाह की ज़ात को झुकते हैं, और हमारा महबूब है अल्लाह का यार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह का यार है, हम उसके दीवाने हैं, अल्लाह पाक हमारी कही बातें पर हमको अमल अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।